अस्सलाम वालेकुम जी, आज की वीडियो हमारे पास होने वाली दराज का मिनी शॉपिंग हॉल। मैंने दराज से कुछ रैंडम स्टफ़ ऑर्डर किया था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ उसकी अनबॉक्सिंग शेयर की जाए। तो जी, ये हमारे पास आर्टिफिशियल मनी प्लांट की लेज बेल टाइप हैं, जो ये काफ़ी ज़्यादा आजकल इन है और रूम डेकोरेशन में बहुत ही ज़्यादा मज़े का लुक आता है इन लीव्स के यूज़ करते हुए। इसके साथ मैंने ये चिल्ली मिली लाइट्स मंगवाई थी, जो कि थी बैटरी ऑपरेटेड। इनकी सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे यही लगी थी कि इनके साथ हमें कोई भी स्विच वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वगैरह की, और आप इसके अंदर पास सेल्स वगैरह डालें और जब वो ख़त्म हो जाए दोबारा आप उसको चेंज कर सकते हैं और दोबारा से यूज़ करें। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ये, मैंने सोचा नहीं था कि बिल्कुल ऐसी होंगी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगी मुझे। तो उसके बाद ये थी हमारे पास जो आर्टिफिशियल मनी प्लांट की जो बेल्स हैं, और ये जो एक पैकेट था इसकी प्राइस हमारे पास थी 199, और इस तरह के मैंने 5 मंगवाए थे पैकेट्स, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आए थे। तो अब मैं इनको सोच रही हूँ कि मैं बेडरूम में कहाँ पे लगाऊँ, और आपको मैं इस वीडियो में लास्ट दिखाऊंगी भी कि मैंने किस तरह से इनको जो 2 या 3 मैं इनको यूज़ करते हुए पैकेट्स को तो लगाया था, तो मैं आपको लास्ट पे दिखाऊंगी भी। आप लोग जब भी दराज से कोई चीज़ ऑर्डर करें या किसी भी ऑनलाइन पेज से, तो आप सबसे पहले उसके रिव्यूज़ वगैरह चेक किया करें, उसकी रेटिंग वगैरह, क्योंकि जो लोगों ने अपना रिस्पॉन्स दिया होता है वो जैसे 100% ऑनेस्टी दिया होता है। तो उसके बाद ये थी बैटरीज मैंने लगा ली हैं, तो ये चिल्ली मिली लाइट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की, अभी ये डे टाइम में हैं तो अभी भी इतनी मज़े की लग रही हैं। तो चले इनको कहीं पे हम यूज़ करते हैं और लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल प्लांट्स को और ये जो चिल्ली मिली लाइट्स हैं दोनों को अच्छे से असेंबल कर लिया, और यहाँ पे लगाया मैंने, ये एक अलमारी टाइप है तो यहाँ पर ये लगाया, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लुक आ रही है। अभी ये डे टाइम है और नाइट टाइम में तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, मैं आपको मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफिज़।